नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड आदि में एडमिशन लेना चाहते हैं, सत्र 2023-24 में प्रवेश लेना चाहते हैं और आपके जो परसेंटेज है वो 50 या 60% के बीच में है, यानी कम परसेंट है, और आपका जो है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया है या एडमिशन नहीं मिला है, तो आपको जो है कम परसेंट में कैसे एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन मिल सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जिन भी छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उनके 50 से 60% के बीच में अंक है और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे सभी छात्रों का तो एडमिशन नहीं होगा क्योंकि इतनी सीटें कॉलेजों में नहीं है कि सभी का एडमिशन हो जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप प्रयास करते हैं और जो बीएड करना चाहते हैं तो उन्हें जो है लगभग यहाँ पे 50 से 60% के बीच में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है इसकी इन्फॉर्मेशन बताने वाले। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो छात्र यहाँ पे थर्ड राउंड चल रहा है, यानी थर्ड राउंड की जो च्वाइस फिलिंग है या काउंसिलिंग है वो यहाँ पे चल रही है, और ये जो राउंड है ये आपका लास्ट राउंड है, यानी थर्ड राउंड है। इसके बाद हो सकता है सीएलसी राउंड स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक तो ये है कि यहाँ पे ये जो राउंड है थर्ड राउंड है ये लास्ट राउंड है। सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है और इसका जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी आने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जिन भी छात्रों के नाम नहीं आए हैं उनके कम परसेंटेज हैं, तो यहाँ पे वो क्या करें कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पे गिरेगी तो वो कम परसेंटेज पर आएगी। तो आपको यहाँ कैसे क्या करना है इसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन भी छात्रों का 50 से 60% के बीच में है उन्हें यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो समस्त कॉलेज हैं उनमें अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बीएड का ऑप्शन खोलते हैं, इसी प्रकार से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड आदि का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वैकेंसी की सीट है ये वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन है इस ऑप्शन को आपको खोलना है। यहाँ पे आपको देखना है कि जितने भी कॉलेज यहाँ पे हैं ये सभी कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के। अब फर्स्ट राउंड में इतनी सीटें यहाँ पे भर चुकी हैं और इतनी सीटें यहाँ पे रिक्त हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। अब सेकंड राउंड का भी यहाँ पे अलॉटमेंट जारी होने वाला है, तो कुछ कॉलेजों में जो है सीटें नहीं बचेंगी, कुछ कॉलेजों में जो है कुछ सीटें बचेंगी और कुछ कॉलेजों में जो है अधिक से अधिक सीटें होंगी। तो आपको ये करना है कि अगर आपके 50 से 60% है और आप बीएड करना चाहते हैं या एमएड या बीए बीएड, बीएससी बीएड करना चाहते हैं, आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं हुआ है, तो आपको ये करना है कि आप जो है अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन करें। यानी आप अभी 10 कॉलेज डाल रहे थे या 20 कॉलेज डाल रहे थे या 30 कॉलेज डाल रहे थे, अब आपको यहाँ पे अधिक से अधिक कॉलेज डालना है। यानी आप जितने अधिक कॉलेज डाल सकते हैं उतने अधिक कॉलेज डालें, क्योंकि आपको बीएड कहीं से भी करना है, बीए बीएड कहीं से भी करना है, तो आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप जो है अधिक से अधिक कॉलेज डालें। और दूसरी बात, जो यहाँ पे वैकेंट सीट का ऑप्शन है इसमें आपको जिस भी स्टेट से आप डालना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हम सागर सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे सागर खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सागर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, या फिर भोपाल खोलेंगे तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, इस टाइप से आपको लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, वैकेंट सीट में सबसे ज्यादा जिस कॉलेज में सीटें हों, आपको कम कॉलेज कम सीटों वाला कॉलेज नहीं देखना है, आप उसे डाल सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि ये 38 सीटें यहाँ पे बची हैं, ये 46 सीटें बची हैं, तो ये कॉलेज आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जिस कॉलेजों में अधिक से अधिक सीटें हैं, जैसे कि इस कॉलेज में 126 रिक्त सीटें बची हैं, इस कॉलेज में 72 सीटें हैं, इस कॉलेज में 74 सीटें हैं, और भी हम आगे चलेंगे तो किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, किसी कॉलेज में कम सीटें हैं, तो आपको जिस भी कॉलेज में सबसे अधिक सीटें हैं उसकी लिस्ट देख लेनी है, आपको बना लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 70 है, 72 है, ये सीटें 100 में से 70 सीटें बची हैं, 100 में से 72 सीटें बची हैं, 100 में से यहाँ पे आपकी 80 सीटें बची हैं, तो इन कॉलेजों को आपको सबसे पहले फिल करना है और अधिक से अधिक कॉलेज फिल करना है। जैसे कि आपके 50 से 60% हैं तो आपको आपके मन का कॉलेज तो नहीं मिलेगा, अगर आपको मन का कॉलेज चाहिए तो आपके पास परसेंटेज अधिक होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपके परसेंटेज कम है, 50 से 60% हैं और आप थर्ड राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमें एडमिशन कहाँ मिलेगा, आपको कहीं भी एडमिशन मिले आपको एडमिशन लेना है, तो
तो आपको कम से कम परसेंट में अधिक सीटों का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे हम सागर, अगर सागर डिस्ट्रिक्ट डालना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले हम 126 सीटें हैं, फिर 72 सीटें हैं, 74 सीटें हैं, फिर ऊपर चलेंगे यहाँ पे 61 सीटें हैं, 68 सीटें हैं, 52 सीटें हैं, ये सभी कॉलेज हम फिल कर देंगे। इसके बाद हम कोई दूसरा स्टेट भी देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जबलपुर देख लेते हैं। तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सीटों वाले जो कॉलेज हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80 सीटें हैं 100 में से, ये 79 सीटें हैं, 81 सीटें बची हैं, 78 76 सीटें बची हैं, 70 बची हैं, 85 बची हैं, 71 बची हैं। ये आपकी जो हाई सीटें खाली हैं, यानी जिनमें सबसे ज्यादा रिक्त सीटें खाली हैं, वो कॉलेज आपको सबसे ज्यादा फिल करने हैं। और आपको जो है कॉलेज फिल करने हैं तो आपको यहाँ पे अधिक से अधिक कॉलेज फिल करने होंगे। जैसे कि आप 50 कॉलेज सिलेक्ट कर दें, 60 कॉलेज सिलेक्ट कर दें, तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी बीएड करना चाहें तो यहाँ पे इस हिसाब से कॉलेज फिल करें तो आपको कम से कम परसेंटेज में भी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 10 कॉलेज फिल करते हैं और कम सीटों वाले कॉलेज फिल करते हैं तो आपके परसेंटेज हाई होना चाहिए, तब आपको एडमिशन मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट थी वो 70% पर गई थी, सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो भी आपकी 60 या 62% पर जाएगी। इसके नीचे अगर आपको एडमिशन चाहिए है तो आपको अधिक से अधिक जो सीटें खाली हैं उन कॉलेजों को सिलेक्ट करना होगा और एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए आवेदन मत करें, क्योंकि फिर आपका नाम यहाँ पे नहीं आने वाला है कम परसेंटेज में। तो जिन भी छात्रों को एडमिशन लेना है वही इस वीडियो पर अमल करें और अधिक से अधिक जो है कॉलेजों का चयन करें, क्योंकि ये लास्ट अवसर है। इसके बाद हो सकता है ऑनलाइन एडमिशन सीएलसी राउंड खुले या ना खुले, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल पाएगी। तो थर्ड राउंड जो है यहाँ पे आपका अभी चलेगा, तो यहाँ पे जो आपका थर्ड राउंड है वो अभी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी च्वाइस सेलेक्ट कर दें। और अगर इसके हिसाब से अगर आपको कम परसेंटेज में कॉलेज मिल जाता है तो आप एडमिशन लेके जो है कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।